सो हेलो एवरीवन, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। तो आज मैंने 3 नवंबर संडे को RWA पर RPF SI का मॉक टेस्ट लगाया है, जिसका स्कोर मैं आपको डायरेक्टली RWA के एप्लीकेशन पर जाकर शेयर करूंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने आज RWA पर मॉक टेस्ट नहीं लगाया तो जरूर जाके मॉक टेस्ट लगाओ, आपको मजा आने वाला है। आज मॉक टेस्ट में बहुत सही लेवल रखा है, जो होना चाहिए लेवल वही रखा है, जो RPF SI का प्रीवियस ईयर लेवल था वही उन्होंने लेवल रखा है, थोड़ा सा आप करके रखा है बट सही लेवल रखा है उन्होंने, मजा आ जाएगा, आप मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मॉक टेस्ट का लेवल कैसा था, फिर मैं स्कोर शेयर करती हूँ, ठीक है। अगर मॉक टेस्ट के लेवल की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग का जो लेवल था वो इजी टू मॉडरेट था, आप 35 में से 35 भी स्कोर कर सकते हो। अब आप मुझे बोलोगे खुद का स्कोर तो इतना गंदा आया है आपका रीजनिंग में और आप हमें बोल रहे हो 35 में से 35 स्कोर करने के लिए। मैं सच बोल रही हूँ, मुझे आज अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने इतना ईजी पेपर जो आज का था जिसमें मैं 100+ स्कोर कर सकती थी बहुत ईजिली, मैंने सिर्फ रीजनिंग के जो मैंने रीजनिंग का पूरा पेपर खराब कर लिया सिली मिस्टेक्स की वजह से। 6 से 7 क्वेश्चन मैंने रीजनिंग में जो है वो गलत किए हैं, प्लीज आप लोग मत करना, क्योंकि मुझे लगा पेपर बहुत इजी है, मैं जल्दी तो इस जल्दी जल्दी के चक्कर में, ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में मैंने रीजनिंग में सिली मिस्टेक्स की है, प्लीज आप लोग मत करना। अब बात करें अगर मैथ्स की, तो मैथ्स का लेवल इजी टू मॉडरेट ही था, मुझे तो मैथ्स जो है वो इजी ही लगी और मैं पूरे 35 मैंने अटेम्प्ट किए, उसमें मैंने जल्दी जल्दी में 2 सिली मिस्टेक्स कर दी। आप आराम से 35 में से 35 स्कोर कर सकते हो, मैथ्स का लेवल इजियर साइड ही लगा मुझे, ठीक है। अगर बात करें जीके की, तो जीके का लेवल भी आज इजी टू मॉडरेट ही था, टफर साइड नहीं था, 5-6 क्वेश्चंस ही थे जो टफ थे मुझे, मतलब सबसे पहले मैं जीके ही अटेम्प्ट करती हूँ, देख के मुझे मजा आ गया कि आज तो बढ़िया जीके पूछी है इन्होंने, वरना मेरा हर बार दिमाग खराब हो जाता है जीके देख के, ठीक है। तो जीके का लेवल आज इजी था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको अपना स्कोर दिखाती हूँ, ये आप देख सकते हो डायरेक्ट RWA के एप्लीकेशन पर मैं दिखा रही हूँ, यहाँ पर मेरा स्कोर देख सकते हो आप 92.03 है 120 में से, और मेरी जो रैंक आई है वो 2233 बच्चों में से 15 आई है, परसेंटाइल मेरा 99.33 है, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो, सबसे मेन चीज़ हम यहाँ पर नीचे देखेंगे, ठीक है, कि कौन से पोर्शन में मैंने कितना स्कोर किया है। सबसे पहले हम मैथ्स का देख लेते हैं, अकाउंट का, जिसमें मैंने अटैम्प्ट कितने किए थे, 35 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट किए थे, ठीक है, क्वेश्चन ईजी थे आज के, जिसमें मैंने 2 गलती कर दी, ये सिली मिस्टेक्स हैं, आप पूरा भी अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है, ईजी था। 33 मैंने करेक्ट किया है, मेरा स्कोर आया 32.34, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो रीजनिंग में मैंने आज गुड़ गोबर किया है पूरा का पूरा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अपने आप पर। मैंने जो है अटैम्प्ट किए थे 34, एक मेरे को नहीं आता था वो मैंने छोड़ दिया था, मैंने गलत किए हैं पूरे 6 क्वेश्चंस, ठीक है। और जीके में आप देख सकते हो स्कोर अच्छा है, मतलब सही है स्कोर, ठीक है, क्योंकि लेवल आज का जो है ईजी था, अगर आप पहले का देखोगे उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 33 पॉइंट आप देख सकते हो, मैंने 35 अटैम्प्ट किए थे, मेरे 34 करेक्ट है, मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि आज मेरी एक्यूरेसी इतनी अच्छी कैसे हो गई। मैंने जीके में बहुत ज़्यादा टाइम दिया था ये देखो, क्योंकि यहाँ पर आज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे, उनको पढ़ने में और उसका आंसर देने में मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी बार बार, तो वहाँ पर मेरा टाइम बहुत चला गया। वो तो शुक्र है कि आज की मैथ्स और रीजनिंग ईजी थी, तो जल्दी जल्दी हो गया मेरा, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो ओवरऑल मैं 100+ स्कोर बहुत आराम से कर सकती थी अगर मैंने रीजनिंग में गलती नहीं की होती तो, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो रीजनिंग और मैथ्स मैंने ढंग से की होती क्योंकि इजी थी, तो मेरा 100+ स्कोर जाता आज का, ठीक है। तो आप ये गलती मत करना, अगर आपकी ठीक ठाक तैयारी है तो आप 100+ स्कोर आराम से कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट, ये मेरा स्कोर था, ठीक है। अब आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आपका इस वाले मॉक टेस्ट में कितना स्कोर आया। थैंक यू सो मच एवरीवन।